हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का हमारा टॉपिक है बेबी केयर। आज हम आपको बेबी केयर के हवाले से आज आपको बताऊंगी कि किस तरह बेबी की केयर करनी है, किस तरह उसकी मालिश करनी है। अभी हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं और बेबी की मालिश करके आपको दिखाती हूँ। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप सबसे पहले बच्चे की शर्ट उतार दें ताकि आराम से इसकी मालिश हो सके। ये मैंने मालिश करने के लिए जॉनसन्स बेबी ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, एलमंड ऑयल ले सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं। ये सबसे पहले बच्चे के सीने से स्टार्ट करनी है, इस तरह राउंड राउंड। फिर ये इसके पेट की मालिश करनी है इस तरह। हम इसको फिर इस तरह एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं ताकि अगर कोई बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो वो भी ख़त्म हो जाए और बच्चा आसानी से डाइजेस्ट भी कर सके। इस तरह क्योंकि बच्चे सारा दिन खेल खेल के थक जाते हैं। अब ये देखें, जैसे ये मूव कर रहा है, अपनी लेग्स को मूव कर रहा है, ये लेग्स की ये वाली साइड, ये देखें ये, क्योंकि बच्चे बहुत मूव करते हैं, ये जो पिंडलियाँ होती हैं इनको ऐसे बहुत आराम से, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और वो खुद भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह पाँव को इस तरह ये ऐसे राउंड, इससे बेबी को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत सुकून फील करता है बहुत ज़्यादा। ये इस तरह ऐसे लेग्स की, अब इसी तरह आपने बाजुओं की करनी है। देखिए ऐसे ये वाली जगह, ये देखिए ये इस तरह ये जगह ये और 10-15 मिनट आधा घंटा इसको लगे रहने देना है ऑयल को। ऐसे इसी तरह आपने बच्चे को उल्टा कर लेना है, इस तरह। अब इसी तरह कमर की मालिश करनी है। ये देखिए ये इस तरह, ये थोड़ा सा नीचे करके पैम्पर, ये इस तरह। ये जो मेन पॉइंट होते हैं, मैजिकल बोन्स होती हैं, इनको इस तरह करेंगे। ये इनसे, इनमें बच्चों की जो, इन हड्डियों में इस तरह बच्चों की जो दर्द होता है, तो वो जब हम उनको इस तरह रोज़ मालिश करेंगे तो वो उनकी वो रिलैक्स फील करेंगे। ये इसी तरह ये पाँव के तलवे, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये पिंडली है। और अगर आपका बेबी बैठ सकता है तो उसको बिठा के फिर उसके सर की मालिश करें। यह बेबी अभी बहुत छोटा है, वो नहीं बैठ सकता, तो हम इसको सहारे से बिठा के इसके सर की मालिश करें। देखिए इससे भी बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं। बहुत लाइट लाइट, इससे बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं और मालिश करने से वो जल्दी चलने भी की कोशिश करते हैं, क्रॉलिंग की कोशिश करते हैं।
अगर हम इनको इसी तरह रहने देंगे, कोई मालिश नहीं करेंगे, तो वो थोड़े वीक होंगे। ये देखिए हमने मालिश कर ली इसके सर की। अब आप बच्चे को आधे घंटे के लिए लिटा दें ताकि वो और खेल लें और उसका सारा ये जो ऑयल हमने लगाया है वो जज्ब हो जाए। हाँ जी, आपको अब समझ तो आ गई होगी कि किस तरह मालिश करनी है, किस तरह बच्चों की केयर करनी चाहिए। तो इसी तरह आप अपने बच्चों के लिए हफ्ते में एक बार या तीन बार, दो तीन बार मालिश कर लिया ताकि इससे बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो। तो आपको अगर कोई और बात पूछनी हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।